नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रोशनी शिंगरे। 3.0 टीवी में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज बढ़ रहा है और भारत भी अब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। साल 2022 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान योजना शुरू की थी। इस योजना में सरकार द्वारा दी गई राशि किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा होती है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद करना है। इस योजना में अभी तक देश के कई किसान जुड़ चुके हैं। सरकार ने 27 जुलाई 2023 को योजना की 14वीं किस्त जारी की थी। सरकार का उद्देश्य है कि देश के सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिले, पर अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे और आसान करने में मदद करेगी। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने पीएम किसान योजना के लिए एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम के साथ इंटीग्रेट होने वाला अपनी तरह का पहला चैटबॉट है। कैलाश चौधरी द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट एग्रीकल्चर सेक्रेटरी मनोज आहूजा और एडिशनल एग्रीकल्चर सेक्रेटरी प्रमोद महेंत्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि AI चैटबॉट लॉन्च पीएम किसान स्कीम की एफिशिएंसी और रिच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो फार्मर्स को उनके प्रश्नों को त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करता है। जैसे कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, एक परिवार में कितने सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते, ऐसे कई सवालों के जवाब AI चैटबॉट से मिल सकते हैं। एक्सेप्ट फाउंडेशन और भाषिनी की मदद से पीएम किसान ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम ने किसानों को उनके एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट इन्फॉर्मेशन और इनएलिजिबिलिटी स्टेटस के बारे में जानकारी के लिए एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म देने के लिए एक AI चैटबॉट पेश किया है। चैटबॉट जिसे यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जिसको भाषिनी के साथ एकीकृत किया गया है, जो एक ऐसा मंच है जो बेनिफिशियरीज की लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी को पूरा करने के लिए मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रदान करता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने से ट्रांसपेरेंसी में सुधार होता है और किसानों को बुद्धिमानी पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। देश की सभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का समर्थन करने की योजना के साथ चैटबॉट वर्तमान में अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और तमिल में उपलब्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।